चंद्रयान 4 के तैयारी के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 का मॉड्यूल वापस धरती पे लाया। ये बहुत बड़ा बॉम्ब अनाउंसमेंट था। सेकेंडली, इस वीडियो में एक न्यूक्लियर सरप्राइज भी है। हाँ, इस ऑर्बिटर में एक न्यूक्लियर हीटिंग यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है ये, क्यों है ये, सब जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, चंद्रयान 3 का जो स्टैक था, स्टैक मतलब लैंडर तो था ही, लैंडर के अंदर रोवर था, प्लस ये दोनों लैंडर और रोवर को चांद पे लेके आए ये प्रोपल्शन मॉड्यूल या पीएम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम यही था कि उसे चांद तक लेके आना। ये मोस्टली उसके अंदर मोस्टली फ्यूल ही भरा है और एक इंजन है पीछे। उसके ऊपर ऑफकोर्स एक साइंस एक्सपेरिमेंट था जो है शेप स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, मतलब वो धरती के लाइट सिग्नेचर स्टडी करता ताकि अगर हमें कोई एलियन प्लैनेट ढूंढना है जो धरती की तरह हो तो हम पहले धरती को समझे उसका सिग्नेचर कैसा है। अब इसका तो एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली हो गए, वो 3 महीने के लिए प्लान था, तो अभी काफी लोग गेस कर रहे थे कि इसके साथ होगा क्या, राइट। अभी ये जब धरती चांद के अराउंड इंसर्ट किया चंद्रयान 3 को, तो उसका काफी सारा फ्यूल बचा। इस आर्टिकल के हिसाब से ऑलमोस्ट 100 kg फ्यूल सेव था। अभी 100 kg फ्यूल लेके बहुत कुछ कर सकता था इसरो। शायद उसे एक सन के ऑर्बिट में भेजता या L2 शायद ट्राई करता जाने, पता नहीं ये काफी होता कि नहीं L2 जाने, वही जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वही ऑर्बिट शायद, पता नहीं उतना फ्यूल है कि नहीं। पर सिंस चंद्रयान 4 का प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने ऐसा कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया जो उसके साथ काम आए, वो समझेंगे आगे। पहले किया कैसे और क्या किया वो समझते हैं। बेसलाइन ये है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसे चांद से निकलकर धरती के ऑर्बिट में लाया। अभी कैसे लाया, ये करने के लिए सबसे पहले ये इमेज देखो। इसमें जो ग्रीन है वो प्रीवियस ऑर्बिट है और जो पर्पल है वो न्यू ऑर्बिट है। बेसिकली इसरो ने अपनी इंजन फायर की पेरिल्यून पे। पेरिल्यून मतलब दो चीजें होते हैं। देखो, आप जब भी एक प्लेनेट को ऑर्बिट करो, किसी चीज को ऑर्बिट करो, तो आपका ऑर्बिट शायद परफेक्ट सर्कल ना हो, एक एक्लिप्स हो, एक एलिप्स हो। तो ये एलिप्स में एक छोटा साइड होगा और एक बड़ा साइड होगा, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके सरफेस से और एक लंबा सब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पेरिल्यून कहते हैं चांद पे, और लॉन्गेस्ट को एपिल्यून। सिमिलरली धरती पे एपोजी और पेरिजी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप इंजन पेरिजी पे फायर करोगे आपके प्रोग्रेड में, यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में, तो उस अपोजिट साइड बढ़ने लगेगा। और इस केस में वो ऑलमोस्ट 100/100 किलोमीटर के ऑर्बिट में थे पहले, बाद में वो चलेगा एक 100/5000 किलोमीटर ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ये ऑर्बिट अचीव करने के बाद एक और मैन्यूवर हुआ सिमिलरली, वो था ट्रांस अर्थ इंजेक्शन। मतलब एक और बार इंजन फायर की गई और उसे छोड़ा गया एक अर्थ बाउंड ऑर्बिट पे। जब हम धरती से चांद तक जाते हैं तब उसे कहते हैं TLI यानी ट्रांस लूनर इंजेक्शन, और जब उल्टा हुआ तो TEI। अब ये TEI हुआ October 13th को 2023। पर अगर आप ये दूसरा डायग्राम देखो तो आप देखोगे वो डायरेक्टली धरती के पास नहीं आया, तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्बिट में इंसर्ट किया जहां पे पूरा एनर्जी नहीं उन्होंने रिड्यूस किया धरती के आने के पास। इनफैक्ट उन्होंने चांद का फायदा उठाया ग्रेविटी असिस्ट लेने के लिए, ताकि चांद के एनर्जी से हम अंदर घुस सके धरती के पास। ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसरो ने कभी ग्रेविटी असिस्ट की नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंटरप्लेनेटरी हमारे हुए नहीं, राइट, मिशंस। तो ये उनके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने। इसके लिए उन्होंने नया सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया, फ्लाइट सॉफ्टवेयर, जिससे ये मिशन प्लान हो सके। तो आप देख सकते हो काफी सारे फ्लाईबैक्स किए मून के, ऑलमोस्ट 4 ग्रेविटी असिस्ट, और 4th में वो एक इनबाउंड ऑर्बिट में चला गया, यानी वो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जिट किया। फिर वो आया और इस अर्थ के 1.8 lakh by 3.8 lakh किलोमीटर जो टारगेट था उसमें उसे इंसर्ट किया गया। वो फाइनली अचीव किए पेरिगी ऑफ 1.5 lakh। उनका प्लान और भी नीचे आने का था शायद, पर वो रिस्क नहीं करना चाहते थे क्योंकि 36,000 किलोमीटर में अपने ही नहीं, सबके पूरे दुनिया के काफी सारे इंपॉर्टेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, राइट। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ये बहुत बहुत ज्यादा दूर है धरती से, पर अच्छा बात है उसे कोई कोलिजन वगैरह का इशू नहीं होगा, वो एकदम फ्री है, वहां पे ज्यादा सैटेलाइट है नहीं। यहाँ पे भी वो जाके शेप ऑन जरूर करेंगे। एडिटर गरीब साइंटिस्ट हियर। इसरो ने फाइनल ऑर्बिटल डायग्राम शेयर किए थे, ये जो आपके लेफ्ट में है वो है उसका फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। ट्विटर पे स्कॉट टाइली जो है, आपने देखा होगा उन्हें, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी और रेडियो सिग्नल्स चंद्रयान 3 के टाइम शेयर कर रहे थे। उनका प्रेडिक्शन है कि ये ऑर्बिट करीब 20 साल तक मतलब स्टेबल होगा, उसके बाद शायद मून को हिट करे। हमें नहीं पता इसरो अभी क्या करने वाला है, एक और चेंज करने वाला ऑर्बिट या क्या, बट ये जैसे एक फन नोट था। और वो न्यूक्लियर सरप्राइज के बोलू तो इसी ऑर्बिट में, इसी मॉड्यूल में, प्रोपल्शन मॉड्यूल में, पीएम में, दो न्यूक्लियर हीटिंग यूनिट्स थे, RHUs जिसे कहते हैं, रेडियोएटिव हीटिंग यूनिट्स। बेसिकली ये 2 1 watt की यूनिट्स है जो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप की है, जो उसे वो डीप स्पेस टेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आपके पास काफी क्वेश्चन आएंगे। अब बने ही थे तो वो एक लैंडर में डालते और एक रोवर में डालते नहीं, हाँ, बट इतना सिंपल नहीं है, राइट, इसे इंजीनियर करना पड़ेगा। देखो, ये ऐसी चीज नहीं है कि आप लिया और अंदर डाल दिया और इसे पैक करके बंद कर दिया
दिया रोवर को। करेक्ट, ये जो हीट जनरेट हो रही है उसे आपको थर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिन कंपोनेंट्स को वो गर्मी चाहिए, और जितना चाहिए उतना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्लस इस पूरी गर्मी को आपको आइसोलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बाहर जाके लीक होने लगी देन ये आरएचयू का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली पूरा री इंजीनियरिंग करना पड़ता है दोनों रोवर और लैंडर का आरएचयू के लिए, और वो काफी लेट हो गया था जब तक उन्हें मिला। अब मुझे पता नहीं है कितना स्केलेबल है, 1 वॉट ही है, ज्यादा एनर्जी नहीं है दे रहा है वो। क्या ये 5 वॉट कर सकता है बार, क्या ये और आरटीजी बना सकता है इसका, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ये बस गर्मी देगा आरएचयू, आरटीजी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और उनके एक प्रोटोटाइप है एक्चुअली, ये रवि अंडरस्कोर राम ने पोस्ट किया था इसरो सबरेडिट में ये पेपर, आप देख सकते हो यहाँ पे उनका एक आरटीजी का प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप है, बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत अर्ली है, तो हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट के पास अभी वो टेक आ गया है, होपफुली ये स्केलेबल हो आगे मिशंस के लिए। चंद्रयान 4 से क्या नाता धरती पे वापस लाने का? चंद्रयान 4 के ऑलरेडी डिजाइन डिस्कशंस चल रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, पर एक श्योर है कि वो एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। मतलब हम चांद पे जाएंगे, चांद की मिट्टी किसी कंटेनर में डालेंगे, वापस धरती के सरफेस पे लाएंगे हमें से। ये जो आपने आज देखा वो उसका एक पार्ट था, जहां पे हम उस कंटेनर को चांद से लेके धरती के ऑर्बिट में लाए। देखो ऑफ कोर्स जो हमारा पीएम है उसे लैंड नहीं करवा सकते, वो एक सैटेलाइट है, वो बर्नअप होगी तो वहीं ठीक है ऑर्बिट में, पर फ्यूचर में जब वो मिट्टी लाएंगे तो वो, अगर आपको याद है मैंने बहुत सालों पहले एक वीडियो बनाया था SRE-1 के ऊपर, जहाँ पे इसरो ने ये छोटा सा स्पेस कैप्सूल स्पेस भेजा और उससे वापस रिकवर भी किया धरती के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ में वो मिट्टी को डालेंगे चांद के और फिर धरती पे वापस लैंड करवाएंगे। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा, ये काफी सारे वेरिएंट्स दिख रहे हैं, फिलहाल डिजाइन फ्रीज नहीं हुआ है, पर सोमनाथ सर के रिसेंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 2026 है उनका टारगेट, और वो मोस्टली 2 रॉकेट लॉन्चेस इस्तेमाल करेगा जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स लॉन्च होंगे धरती के तरफ। एक मॉड्यूल लैंड करेगा, वो मिट्टी भरेगा, उसके ऊपर की मॉड्यूल वापस आएगी, मून के अराउंड डॉक करेगा, धरती पे आएगा और इस छोटे स्पेस कैप्सूल में ट्रांस डालेगा उसे और वो धरती पे आएगा वापस। तो सोमनाथ सर के अकॉर्डिंग उनका एम है कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अवेलेबल रॉकेट्स के साथ ये मिशन करे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे, होपफुली हो ये 2026 में, पर टफ लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। स्पेशल थैंक्स टू शिखर, कार्तिकेय देवल, जयम शर्मा, रोहित सोना, नारायण प्रसाद, चैतन्य, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशान कुमार, विशाल भारत, हाइड्रेटिंग, सिद्धार्थ कृष्णन, कृपाल पटेल, निशान प्रजापति, शौनक पेनी, निसर्ग मानकड़, विवेक सिंह, संसद कावड़े, स्पार्क 164, सीवा नीलम, कुमार अखिल, बुट्टा सिंह, किल द टाइम, चंद्र सिंह, श्रीकांत कापड़ी, पार्थ बटेका, सिरिमस बोट्स, विशेष वत्सल, पीपी, ईटीबीएम, उर्मी भांबणी, रजत देशपांडे, कार्ति और कुछ एनोनिमस।